أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. बेशक हम मर्दों को जिंदा करते हैं और तुम्हारे आमाल जो आगे भेजे जा चुके और उनके आसार उनको किताब मुबीन यानी रोशन किताब में महफूज करते हैं इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहली बात कि इन्ना नहन मोता के मौत के बाद एक मरतबा दोबारा हम आपको जिंदा करते हैं हजरत इंसान को दोबारा कब्रों से उठाते हैं माकदम व आसार और उनके अमाल जो आगे भेजे जा चुके मतलब ये कि वो जो अमाल इस दुनिया में करते हैं वो इस दुनिया तक ही महदूद नहीं बल्कि उनका सिला आगे क़यामत में जा चुका है अच्छे और बुरे अमाल की सूरत में अगर तो वो अमाल अच्छे होंगे तो वो जन्नत के गुल गुलजार बन जाएंगे और अगर वो बुरे होंगे तो वो जहन्नम के अंगारे बनेंगे और साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनके आसार जो हैं वो भी हम लिख चुके हैं किताब मुबीन में लिखना इसलिए कहा गया है कि हमने महफूज कर लिया है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे और आसार से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स कोई नेक काम करता है कोई खैर का काम करता है कोई किताब लिख देता है तो उससे जो बाकी लोग फ़ायदा उठाते हैं तो इसका फ़ायदा उसको भी उसी तरह पहुँचता रहता है और इसी के बरस अगर कोई शख्स बुरा काम शुरू करता है और उस बुरे काम से दूसरे लोग भी उसी बुराई की तरफ आते हैं तो उन बुरे कामों का जो गुनाह है वो उस आदमी को भी मिलता रहेगा जो जिसने ये शुरू किया था हजरत जाबिर, हजरत जरियर रजील्ला फरमाते हैं कि रसूल सल्हुसम ने फरमाया कि जो शख्स नेक अमाल शुरू करता है उसको उसका भी सवाब मिलता है और जितने लोग बाद में उस अमल को करते रहेंगे तो उनका स्वाब भी इस आदमी को मिलता रहेगा बगैर उन लोगों के स्वाब की कमी में आने के यानी कि जो लोग बाद में अमल करेंगे वो नेक उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी और जिस शख्स ने वो नेक अमल शुरू किया था उसको वो सवाब पूरा पूरा मिलता रहेगा और इसी तरह इस हदीस का दूसरा जुज्व है कि अगर कोई शख्स बुरा काम शुरू करता है तो उसके बाद जितने लोग बुरे काम वो बुर, वो बुरा काम करेंगे तो उसका गुनाह उसको मिलता रहेगा और दूसरों के गुनाहों में भी कोई कमी नहीं आएगी तो इस आयत से वाजा होता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को जो हम करते हैं उसको महफूज किया हुआ है और एक दिन वो सामने आएगी अल्लाह ताला अमल करने की तोफीक।